तो फाइनली दोस्तों, एक बार फिर से साबित हो गया है कि पूरी दुनिया में अगर हम टॉप 5 प्रोपोगेंडा फैलाने वाले देशों को गिने तो सबसे पहला नंबर आता है चाइनीज का और फिर नंबर आता है पाकिस्तानियों का। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ये ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये खबर आप सुनोगे तो आपको भी पता लग जाएगा। खबर क्या है? आपको भी पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाइना के दौरे पर हैं। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान चाइना के राष्ट्रपति से मिलते हैं। इसकी सूचना पाकिस्तान के जो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है फवाद चौधरी जी देते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी कोई भी तस्वीर जारी नहीं की जाती है। यहां तक कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैं, जो आज एडिटर रह चुके हैं रेडियो पाकिस्तान के, पत्रकार हैं, वो भी आज कह रहे हैं कि वेयर आर द पिक्चर्स। अगर शी जिनपिंग के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात हुई है तो फोटोज कहां पर हैं? दरअसल ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप ये आंकड़ा देखिए, ये एक दिन पहले सीजीटीएन के पेज ने वीडियो डाली थी शी जिनपिंग के साथ रशिया के राष्ट्रपति की मीटिंग होती है और तत्काल तरीके से जो वीडियो है सीजीटीएन के ऑफिशियल न्यूज चैनल पर आ जाती है। उसके बाद 21 घंटे पहले जो सर्बिया के राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात होती है, वीडियो तत्काल आ जाती है। फिर चाइना और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात होती है 21 घंटे पहले, उसकी भी वीडियो आ जाती है। और 6 घंटे पहले चाइना के राष्ट्रपति की जिन भी लीडरों के साथ मुलाकात हुई है उसकी भी वीडियो आ जाती है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हो हल्ला मच गया कि चीन के राष्ट्रपति से मिलने के लिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर गए हैं, लेकिन फोटो कहां हैं? तो इसके ऊपर ये पत्रकार जवाब देने लगे। और अब भाई साहब, 29 से लेकर 30 मिनट पहले एक पत्रकार हैं शेन शिनवी, उन्होंने अपना ट्वीट किया है और ये वीडियो पोस्ट की है। अब ये वीडियो जब पोस्ट हुई है ना, तब यहां पर यही जर्नलिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई भी मीडिया चैनल मौके पर मौजूद नहीं था, यही कारण है कि चाइनीज मीडिया से ये पिक्चर्स ली गई हैं। अब चाइनीज मीडिया से ये पिक्चर ली गई हैं तो इस सिचुएशन में आप हमें बताइए कि 21 घंटे पहले जब कजाकिस्तान के राष्ट्रपति मिल रहे थे चाइनीज मीडिया ने तो पब्लिश कर दी थी, जब एक दिन पहले रशिया के राष्ट्रपति मिल रहे थे पोस्ट कर दी थी एक दिन पहले ही, लेकिन 6 घंटे पहले जब चीन के राष्ट्रपति सभी लीडरों से मिले उनकी भी एक पोस्ट कर दी। लेकिन अब आखिरकार चीन का जो मीडिया है वो लेट लतीफी क्यों कर रहा था? इससे पता लगता है कि चाइनीज ऑफिशियल जैसा चाहे अपने मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, जो खबरें चाहे वो खबरें ये अपने मीडिया में चला सकते हैं। भारत के मीडिया में ऐसी कोताही आपको नहीं दिखाई देगी और ये साफ सबूत है कि चाइनीज मीडिया उनकी सरकार के अंडर किस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं। अब दोस्तों, दूसरी बात इससे क्या पता लगती है? दूसरी बात इससे ये पता लगती है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो प्लान्ड ही नहीं थी और यही कारण है कि इतनी लेट लतीफी हुई। और उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जरूर हाथ जोड़े होंगे, जरूर टांगे पकड़ी होंगी, तब ये मीटिंग हुई है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत के मीडिया में तो खबरें जब चलती हैं तो तत्काल ट्विटर पर आ जाती हैं, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं। भारत के मीडिया का एग्जाम्पल देखिए, नरेंद्र मोदी जी लता मंगेशकर जी के देहांत के ऊपर मुंबई जाना चाह रहे थे और 2:17 का ट्वीट था। उन्होंने कहा कि एक आधे घंटे में निकलूंगा और अब 6:12 पर वो महाराष्ट्र पहुंचे हैं। तत्काल सरकारी मीडिया ANI ने इसकी तस्वीरें जारी कर दी हैं। अब चीनी मीडिया ये तस्वीरें जारी क्यों नहीं कर रहा है और चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में कैसी खटास दिख रही है, ये तो अब वो ही जाने। खैर, अब पाकिस्तानी जब यहां पर पहुंच गए हैं, 47 मिनट पहले इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि उनके बीच में क्या बातें हुई हैं। लेकिन जो ऑफिशियल जानकारी है, ट्विटर पर देखिए पाकिस्तान के जो ऑफिशियल हैंडल हैं किस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। 1 घंटा पहले का ट्वीट है और इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाया है, RSS BJP का मुद्दा उठाया है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर ये क्या चल रहा है इसके बारे में एक भी जिक्र नहीं है। ना ही जिक्र है कि चाइना ने क्या हुआ, जो हमला बलूचिस्तान के अंदर हुआ था उसको क्या कंडेम्न किया है, इसका भी जिक्र कहीं नहीं है। इसके अलावा भारत की जो मिलिटराइजेशन बढ़ती जा रही है उसको लेकर भी प्राइम मिनिस्टर की
टांगे कांप गई हैं और चाइना के साथ उन्होंने मुद्दा उठा दिया है। हम इसलिए बोल रहे हैं टांगे कांप रही हैं क्योंकि हाल ही में भारत के आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी थी कि भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर एग्रीमेंट लंबा चल गया है वो इसलिए चला है क्योंकि भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए आज पावर ऑफ स्ट्रेंथ की पोजिशन में पाकिस्तान के साथ सीज फायर एग्रीमेंट किए हैं। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि कोई भी पावर ऑफ स्ट्रेंथ नहीं थी, पाकिस्तान के पास भी बिल्कुल बराबर ताकत है भारत की। लेकिन अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आखिरकार क्यों रोना रो रहे हैं चाइना के सामने कि भारत मिलिट्राइजेशन कर रहा है। दोस्तों, क्या आपने भारत को देखा है पाकिस्तान की कंप्लेन करते हुए, कभी रशिया को कहा हो, कभी अमरीका को कहा हो या फिर किसी और देश को कहा हो कि पाकिस्तान वाले मिलिट्राइजेशन कर रहे हैं? भारत ने तो कभी नहीं कहा। और यहीं से सबूत मिलता है कि पाकिस्तान भी जानता है कि सीज फायर में भारत के आर्मी चीफ ने वो जो स्टेटमेंट दी थी कि पावर ऑफ स्ट्रेंथ के कारण आज पाकिस्तान सीज फायर मान रहा है। यही कारण है कि प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट पुष्टि कर रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान आज भारत के साथ मिलिट्री के जो हथियार हैं उसकी जंग में भी पिछड़ता जा रहा है और पिछड़ा हुआ पाकिस्तान अब सीज फायर मानने के लिए मजबूर हो गया है। और आखिरी में वो कहावत भी याद आ गई है, 900 चूहे खाकर बिल्ली अब हज को जाना चाहती है।